ब्रॉडवे तुहाडे विदेश जाण दे सुपनियां नूं देवेगा हकीकत दी उड़ान। नमस्कार दोस्तों, मैं अमरजीत, ब्रॉडवे इमिग्रेशन सर्विसेज से। लगातार कोशिश इस चैनल के जरिए ऑस्ट्रेलिया स्टडी वीज़ा को लेके हर लेटेस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट आपसे शेयर करते रहे। सो ऑस्ट्रेलिया इस समय जो एप्लीकेशंस हैं वो किस तरह से आप चला सकते हो, किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है और कैसा सिनेरियो एडमिशन्स को लेके है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के अंदर बहुत सारे बच्चों का टाइम वेस्ट हो रहा है ऑफर लेटर्स के अंदर, GTE के प्रोसेस के अंदर तो सबसे ज़्यादा महीनों के महीनों वेस्ट हो रहे हैं, और जो यूनिवर्सिटीज़ ने बैन कर दिया था उनके बच्चे बहुत ज्यादा हैरासमेंट के थ्रू निकल रहे हैं, खासकर पंजाब हरियाणा से। सो आज जो मैं इंफॉर्मेशन देने वाला हूं वो पंजाब हरियाणा वाले बच्चों के लिए तो खास करके है और बाकियों के लिए भी काफी हेल्पफुल होगी। ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो प्रोसेस बाय द यूनिवर्सिटीज है, जो 7-8 यूनिवर्सिटीज ने बैन कर दिया, वो ना सिर्फ पंजाब हरियाणा की बट की दूसरी एप्लीकेशंस भी वो बहुत ज्यादा नहीं उठा रही है, और मोस्टली लाइक फेडरेशन यूनिवर्सिटी कुछ नहीं उठा रही। अब ये आने वाले इनटेक्स में भी कुछ भी स्मूथ होने की ज्यादा आशंका नहीं है, क्योंकि ऐसी स्ट्रिक्टनेस कभी भी 1 या 2 महीने के लिए नहीं होती, ये ज्यादातर 1, 2 या 3 इनटेक्स तक चलती है। तो ऑस्ट्रेलिया के अंदर अब प्रेजेंट जो सिचुएशन है इसके अंदर जो यूनिवर्सिटीज आपको अच्छे से सर्विस दे सकती हैं, ऑल्दो इनके अंदर भी कुछ कंडीशंस रहेंगी, लाइक लेटर ऑफ यूनिवर्सिटी PT जो GT प्रोसेस है वो तकरीबन 3 से 4 महीने का है। विक्टोरिया यूनिवर्सिटी आपको बेटर रिस्पॉन्स कर सकती है, JCU यूनिवर्सिटी आपको बेटर रिस्पॉन्स कर सकती है, और स्विंसबर्न यूनिवर्सिटी सबसे अच्छा रिस्पॉन्स कर सकती है, बट डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट्स को लेकर हर एक के थोड़े बहुत जो नखरे हैं वो आपको झेलने पड़ेंगे, बट जो प्रोसेस टाइम है वो स्विनबर्न का, वो विक्टोरिया का, वो JCU का काफी कम है, और ज्यादातर बाकी यूनिवर्सिटीज 2-2, 3-3 महीने और इवन कई उससे ज्यादा समय ले रही हैं GTE के अंदर। ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो प्रेजेंटली वीज़ास चल रहे हैं वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चलने शुरू हो गए हैं पिछले काफ़ी दिनों से। उसका रीज़न भी है कि अब बच्चे जो हैं वो ज़्यादातर अच्छी एप्लीकेशन आ रही हैं, जैसे 1 में 5.5 ऑलमोस्ट बंद हो चुका है यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, कोई भी यूनिवर्सिटी 1 मॉड्यूल 5.5 एक्सेप्ट नहीं कर रही, और कोई भी यूनिवर्सिटी मास्टर्स के लिए 6 ओवरऑल 6 ईच से नीचे भी एक्सेप्ट नहीं कर रही। तो इसके बीच में जो 1.5 वाले बच्चे हैं उनको अब कॉलेजेस में ही जाना पड़ेगा, और कॉलेजेस के अंदर भी जो कॉलेजेस जैसे हम डील कर रहे हैं दे आर कॉलेजेस विद द 70-80% सक्सेस रेट, क्योंकि उसके अंदर जो प्रोग्राम्स हैं वो सारे बैचलर्स या मास्टर्स डिग्री के प्रोग्राम हैं, तो कॉम्प्रोमाइजिंग सिचुएशन नहीं है। उनका फी स्ट्रक्चर यूनिवर्सिटी से बहुत ज़्यादा डिफर नहीं है, ऑनेस्टली थोड़ा बहुत फर्क है, यूनिवर्सिटी से कम है लेकिन बहुत ज़्यादा कम नहीं है। सेकेंड, कॉलेजेस आर रिप्यूटेड कॉलेजेस, तो अगर आप ऐसे कॉलेजेस में भी अपनी एप्लीकेशन चलाते हो तो भी आप बेनिफिशियल रहोगे और अपने वीजा गेन कर पाओगे। ऑस्ट्रेलिया के अंदर अब जरूरी ये नहीं है कि आप Level 1 या Level 2 में जा रहे हो, जरूरी ये है कि आप कौन से कोर्स में जा रहे हो और कैसे रिप्यूटेड इंस्टीट्यूट में जा रहे हो, मतलब पुराना है, अच्छा है, किसी प्राइवेट में छोटे मोटे में नहीं जा रहे हो, जिसका कोई ट्रैक रिकॉर्ड है उसमें जा रहे हो, तो ये चीजों का आपको ध्यान रखना है अगर आप ऑस्ट्रेलिया के लिए अपनी एप्लीकेशंस लगा रहे हैं। ब्रॉडवे के साथ एप्लीकेशन लगाते हैं तो सबसे बड़ा बेनिफिट यही है कि आपने पैसे देने वीजा लगने के बाद, बट प्रेजेंट सिचुएशन में बता दूं कि जो एप्लीकेशंस हैं वो ज्यादातर कॉलेज में फिट आ रही हैं और बहुत कम एप्लीकेशंस यूनिवर्सिटीज के सिनेरियोस में फिट हो पा रही हैं। तो अगर यूनिवर्सिटीज में फास्ट सर्विस चाहते हैं तो आपको यूनिवर्सिटीज की रिक्वायरमेंट पूरी करनी पड़ेगी, नहीं तो आप बहुत अच्छा सक्सेस रेट इवन कॉलेजेस के अंदर भी देख सकते हो। आगे भी इस चैनल के जरिए रेगुलर अपडेट आपसे शेयर करूंगा। वीजा सक्सेस रेट मैंने पहले बता दिया कि पिछले दिनों में काफी ज्यादा इंप्रूव हुआ है ऑस्ट्रेलिया का, सो अब नेगेटिव रिजल्ट नहीं आ रहे हैं, रिजल्ट जो फाइल्स लगी हैं वो पॉजिटिव आ रहे हैं, लेकिन बच्चे जहां पर स्टक हुए हैं, जहां पर परेशान हो रहे हैं, वो एडमिशन और GT का प्रोसेस है। तो अब उस प्रोसेस से निकलने के लिए जरूरी है कि अच्छी सिलेक्शन कंसल्टेंट के साथ डिस्कस करके करो जहां पर वो कॉन्फिडेंट है, जिद और प्रेशर करने से चीजें हल नहीं होंगी।
ऐसी कई एप्लीकेशन हमारे पास भी अटकी हैं, जो बच्चे लाइक लेटरॉप जाना चाहता है, अब लेटरॉप का 3 से 4 महीने का जीटी प्रोसेस है, तो बच्चा रोज पूछता रहता है क्या बना क्या बना, अब रोज कुछ भी नहीं बनेगा। सो दीज साइकोलॉजिकल जो चीजें हैं, अगर आप ये प्रेशर नहीं झेल सकते तो इस प्रेशर में जाए भी ना, अपनी कोर्स सिलेक्शन या यूनि सिलेक्शन या कॉलेज सिलेक्शन कंसल्टेंट के साथ डिस्कस करके उसके जो भी प्रेजेंट ऑपरेशनल सिनेरियो उसके हिसाब से करें। आगे भी इस चैनल के जरिए रेगुलर अपडेट आपसे शेयर करता रहूंगा। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और ऑस्ट्रेलिया के लिए अपनी एप्लीकेशन निश्चिंत होकर लगा सकते हैं, क्योंकि वीजा सक्सेस रेट बहुत शानदार चल रहा है। थैंक यू। ब्रॉडवे तुहाडे विदेश जाण दे सुपनिआं नूं देवेगा हकीकत दी उड़ान।